सो है गाइस, अगर आप लोग को भी न्यू चैनल डेस्कटॉप साइट वाई टी स्टूडियो में ओपन नहीं हो रहा है तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप लोग ओपन कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है गाइस, इसके अलावा बहुत सारा प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से ओपन नहीं होता है, तो मैं सभी प्रॉब्लम को सोल्व करने वाला हूँ। और आप लोग इस वीडियो को लाइक तभी कीजिएगा जब आपके प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, अगर सोल्व ना हो तो आप लोग डिसलाइक कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि जो ट्रिक मैं बताया हूँ वो ट्रिक काम कर रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ से आप लोग को सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। चलिए यहाँ से हम ओपन करते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ से आप लोग को सर्च बार क्लिक करना, और यहां से आप लोग को ना लिखना है studio.youtube.com और डेस्कटॉप साइड, यहां पे आप लोग ऐसे करके लिखना, और उसके बाद आप लोग को यहां पे आप लोग को क्लिक करना है। अब यहां पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे लोगों को ऐसे होता है, देख सकते हो यहां पे क्या बता रहा है, मैं आप लोग को यहां पे लाइव प्रूफ बता दूं। देख सकते हो यहां पे क्या बता रहा है, यहाँ पे प्रोसेसिंग प्लीज वेट, यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से बताता है। मतलब ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जिसकी वजह से ओपन नहीं होता है, कभी कभी डायरेक्ट ओपन भी हो जाता है। तो इस तरह से अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ से गाइस होम स्क्रीन पर आता हूँ। यहाँ से फिर से मैं अपना क्रोम ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप लोग को सर्च बार पे क्लिक करना। चलिए यहाँ से हम सर्च बार पे क्लिक किए, और यहाँ से अब आप लोग लिखना है youtube.com। तो चलिए यहाँ से हम लिखते हैं youtube.com, उसके बाद यहाँ कॉम लिखते हैं। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आप लोग को जो चैनल यहाँ पे क्लिक करके आप लोग को जो चैनल में ओपन करना होगा ना वो चैनल आप लोग को ओपन करना होगा। उसके बाद गाइस यहाँ से ओपन करने के बाद यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करना, और यहाँ आप लोग को डेस्कटॉप साइड में आप लोग को क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से आप लोग को थोड़ा जूम करना है। चलिए यहाँ से हम थोड़ा जूम करते हैं, सॉरी गाइस अभी सर्च कर रहा है। तो यहाँ आप लोग को अपने चैनल के लोगों पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा, अभी जूम नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ से आप लोग को एक सेटिंग मिलेगा, यहाँ सेटिंग का ऑप्शन, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आप लोग को फिर से यहाँ पे तीन पेज यहाँ पे आएगा, चैनल स्टेटस एंड फीचर क्रिएट न्यू चैनल। तो आप लोग यहाँ चैनल स्टेटस पे क्लिक करना है ऊपर वाला ऑप्शन पे, और यहाँ पे आप देखना क्या होता है, यहाँ पे आप लोग को जादू देखना, जादू यहाँ पे क्या होता है। और यहाँ पे देख दो गाइस थोड़ा यहाँ पे प्रोसेसिंग लगेगा, यहाँ पे थोड़ा सर्च करेगा, उसके बाद हमारा नेट थोड़ा स्लो है, यहाँ पे थोड़ा सर्च होने देना है इसको आप लोग को अच्छे से। अब देख दो यहाँ पे चैनल को जो सेटिंग करते हैं ना वहाँ पे ऑटोमेटिकली ओपन हो चुका है। तो कुछ इस तरह से गाइस आप लोग ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को इसको क्लोज करना है। अब अपने चैनल के जो चीज़ देखना है वो देख सकते हो, यहाँ पे चैनल का एनालिसिस देखना है, वीडियो अपलोडिंग के देखना है, यहाँ पे ग्रोथ देखना है, वो सभी यहाँ पे कुछ इस तरह से आप लोग ओपन कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। तो अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या आप लोग को ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या फिर नहीं हुआ, ये भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।